आप ये क्या ड्रामा कर रहे हैं, तो ये क्रिकेट का जवाब देते रहे उनको। तो खान साहब ने अपनी जग हजाई कराई वहां पे, और वही टिपिकल तरीके से वही सवाल कुछ और जवाब कुछ, वही एक पुरानी टेप चला दी जो खान साहब हर जलसे में चलाते। लेकिन उसके उससे उसके बाद मैं दो तीन चीजें मेंशन करना चाहूंगा कि जो खिचड़ी पक रही है इस वक्त इस्लामाबाद के अंदर, अब तो कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो मीडिया पे नहीं आ रही। उसमें खान साहब ने कहा कल के लोगों को क्या वापस चले जाए सवाए इस्लामाबाद। उसके पीछे की स्टोरी यह है कि सदर अरबी साहब को कहा गया था कि या एमरजेंसी आ रही है, गवर्नर राज आ रहा है पहले, और उसके बाद मार्शल आ जाएगा, तैयारी इसकी कर लो। तो ये खान साहब को मैसेज भेजा, सुना है उसके रिजल्ट में चीजें आई हैं। तीसरा एक ऑप्शन डिस्कस किया जा रहा है इस वक्त जो नेगोशिएट कर रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के लोग, कि जनवरी के अंदर सेकेंड वीक में जाके इस हुकूमत को कहा जाए कि वो इस हुकूमत को खत्म किया जाए, अबूरी हुकूमत बनाई जाए और 3 महीने के बाद इलेक्शन कराया जाए मार्च अप्रैल। ये भी एक प्रपोजल है। दूसरा, शहबाज शरीफ साहब जो है वो सरकारी खर्चे के ऊपर याशियां करते फिर रहे हैं, पावर सूट पहन के जफियां डाल रहे हैं लोगों को, खुशगफियां कर रहे हैं, उनके माथे पर कोई बल नहीं है कि मुल्क जल रहा है, 4 करोड़ खुले आसमान के नीचे हैं, वो पहले वहां थे अब हाइड पार्क में जाकर घूम रहे हैं, सैर कर रहे हैं, भाईजान के साथ खाबे खा रहे हैं। तो लेकिन लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद वो पूछने गए हैं, अप्रूवल फाइनल लेने गए हैं कि आगे क्या करना है बाजवा साहब की एक्सटेंशन के बारे में। ये एक बहुत बड़ा इस वक्त रूमर इस्लामाबाद के अंदर चल रही है। लेकिन ये रूमर उसी वक्त तकवीत वॉशिंगटन डीसी में पकड़ गई थी जब बाजवा साहब यहाँ आए। लोग ये कहते थे कि रिटायर होने वाले जनरल 1 महीना पहले वाशिंगटन डीसी में नहीं आते। बिल्कुल। तो मैंने भी इसको इस पे स्पेकुलेट किया था कि ये लग नहीं रहा कि बाजवा साहब जाएंगे, लेकिन आज फिर वो बातें चल रही हैं। अब देखें सर्कमस्टांसेस, ये ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन जो दूसरा आरजू मैं एक और बात कहूंगा कि खान साहब की हिफाजत के लिए 15,000 जो है सिपाही तैयार किए गए हैं, और मुगले आजम साहब के लिए एक बहुत खूबसूरत किस्म का कंटेनर तैयार किया जा रहा है, और उसके पैसे देंगे आप, उसके पैसे आप आवाम देंगे, हुकूमते पंजाब देंगे। और आपने नोट किया है आरजू कि आप ये सल्तनत मुगले आजम के अंदर आज तक किसी अब आप सैलाब के वाले सैलाब जदकान का नाम भी नहीं लेते आप। बिल्कुल। मीडिया भी भूल चुका है, मीडिया ने तो खैर इसको उठाया ही नहीं था। अमीरुल मोमिनीन भी नाम नहीं लेते, खादिम आला भी नाम नहीं लेते, मेरे फौजी भाई भी भूल गए उनको। लेकिन सर बिलावल भुट्टो जरदारी भी हर वक्त जो है बाहरी के टूर पे रहते हैं, पाकिस्तान में कभी नजर आते हैं। आरजू मैं अगले दिन बताऊं आपको कि कल परसों की बात है कि मुझे रात को ख्वाब आया है कि खान साहब हुकूमत में वापस आ चुके हैं, उस्मान बुज़दार जो है वो भी वापस आ चुका है, और जो पाक पतन फैमिली है वो भी अपने अरूज पर जा रही है, आप आइसोलेटेड हैं, मुराद सईद और जुल्फी बुखारी सारा कुछ वापस आ गया है, सारी दुनिया आपके खान साहब उसी तरह बैठे हैं, और पाकिस्तान के अंदर ना गाड़ियां चल रही हैं, लोग गधों के ऊपर फिर रहे हैं, साइकिलों पे फिर रहे हैं, एयरलाइनें बंद हो चुकी। मुझे ख्वाब आया तो मैं यकलत उठ गया, तो मैंने कहा नहीं यार अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन आपकी तैयारी उसी तरफ जा रही है। सर अगर बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिल गई तो इमरान खान तो बहुत परेशान हो जाएंगे। नहीं खान साहब ने, खान साहब आपने देखा नहीं है, खान साहब के 2-4 जो बयान अगले दिन उल्टे सीधे आए, उन्होंने कहा जी हम 1 साल भी इंतजार कर सकते हैं। खान साहब ने एक ये भी छोड़ दी जिसको मर्जी आर्मी चीफ बना दे। अब उसमें खान साहब के जेहन में एक और बात भी है, खान साहब कहते हैं चाहे मार्शल लॉ लग जाए हमें कोई एतराज नहीं, क्योंकि हमारा तो पॉइंट हमारी जंग तो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। आज भी हम इनके खिलाफ खड़े हैं, कल भी इनके खिलाफ खड़े हो, चाहे मार्शल बढ़ के अच्छा है दरमियान से शहबाज शरीफ वगैरह साफ हो जाएंगे। वो तो बल्कि वो कहते हैं मार्शल हमें सूट करता है। सर इमरान खान ने कहा कि FIR कट जानी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब की भी कहा, राणा सनाउल्लाह और साथ साथ मेजर जनरल फैसल नसीर पे, तो एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान उनको ये राइट है सर, तो क्या हरज था अगर FIR काट दी गई होती है? एविडेंस तो दे नहीं सकते थे खान साहब कोई, अभी तक जो हम लोगों ने महसूस किया है एविडेंस कोई नहीं है उनके पास, अदालत में जाते तो जरा जिन लोगों के नाम ले रहे हैं उनकी भी इज्जत रह जाती कि देखो हम छुप नहीं रहे, हमने FIR होने दी।
लेकिन उसका उसी का मिलता जुलता ही रिजल्ट है। शहबाज शरीफ साहब ने सुप्रीम कोर्ट को कह दिया कि आप इस पे बेंच बनाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन करें। वो भी तो इसी यही तरीकाकार है, वो भी तो कोई इससे अलग तो नहीं है। अब वो करेंगे, लेकिन लेकिन गाड़ी हाँ तो उधर जाके रुकी है ना, मैं फैसल नसीर साहब पे रुक गई है ना गाड़ी, उनका नाम नहीं लिखने दे रहे एफआईआर। फैसल नसीर साहब अब देखें उसमें आरजू, मैंने मिलिट्री कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसका मैंने नहीं पढ़ा कि मिलिट्री के बाई लॉज क्या कहते हैं, ये मैंने नहीं उसके बारे में पढ़ा। अब मुझे ये नहीं पता कि सर्विंग ऑफिसर जो है व्हाट इज द प्रोटोकॉल अगेंस्ट हिम अकॉर्डिंग टू द क्रिमिनल प्रोसीजर, ये मुझे इसका अंदाजा नहीं है। मैंने क्रिमिनल प्रोसीजर पढ़ा था 1986 में पाकिस्तान का पीनल कोड, लेकिन मैं उसमें मुझे कोई मैं बल्कि अभी मैंने इसके बारे में तब भी नहीं पढ़ा था कि व्हाट इज द प्रोटोकॉल इफ द, मेरे ख्याल में जाती तौर पर अगर पूछा जाए आरजू, मेरी जो लाख थोड़ी बहुत तालीम है कि अगर आर्मी ऑफिसर का जो है सबसे पहले उसको आर्मी कोर्ट में करना है, उसको आर्मी से निकाला जाए, फिर वो ज्यूरिसडिक्शन आता है अदालत में। मेरे जो मेरी मेरा अगर मुझसे पूछे तो उसका प्रोटोकॉल यही बनता है कि उसको पहले ट्राई ट्राई किया जाए आर्मी कोर्ट के अंदर, उसके बाद जब आर्मी डिस्चार्ज करे देन यू कैन टेक हिम टू द सिविल कोर्ट और समथिंग एल्स। लेकिन अभी जो है वो जो फैसल नसीर साहब है ही इज अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आर्मी कोर्ट, आर्मी कोर्ट्स। तो लेकिन उस पे अब देखे ना, मैं ये बात ये कहूंगा, इन्होंने भी तो एक बेतुकी बात की ना, एविडेंस तो दे नहीं सकते, एविडेंस तो किसी चीज की भी नहीं इनके पास। शहबाज शरीफ का इसके साथ क्या लेना देना है भाई? वो बेचारा, वो शहबाज शरीफ का तो अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में कोई बात नहीं मानता उनकी बेचारों की, वो तो उनके तो जो ताकत है 12 उनकी पार्टियां जो मिलके इकट्ठी हुई हैं और 25 मील रेडियस के अंदर उनकी हुकूमत, उनकी बात तो पुलिस जो उनके तो बाद पंजाब के पुलिस अफसर नहीं उनकी बात मानते, तो वो कहते हैं जी ये सारा कुछ अटैक उन्होंने करवा दिया। ये अटैक उन्होंने क्या करवाना था? ये तो बदकिस्मती है पाकिस्तान की के बस लेकिन सर आपको इंटरनेशनल मीडिया को भी जवाब नहीं दे पाए इमरान खान। नहीं दे पाए। बिल्कुल मैं यही तो बता रहा हूं, एम्बैरेसमेंट है, जंग आजाई कराई उन्होंने उन्होंने लोगों कह दिया मुझे ने। आवाज ही नहीं आई, उन्होंने साफ। बड़ी बातें करते हैं, चार गोलियां लगी हुई है घंटे की बड़ी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस तरह भी ट्रेडमिल पे 5 मील भाग के आए, जितनी इतनी एनर्जी थी उनके अंदर, बादल पानी पीने से घटा घट करके। आप मुझे ये आरजू बताएं, चार गोलियां आपको लगी हो तो उसके 15 घंटे के बाद आप 1 घंटे की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। किसी को हाँ चार थप्पड़ टिकाने लगे हो तो वो 2 दिन नहीं उठता, ये तो चार गोलियां है। लेकिन ये कि अलबिया है, ये पाकिस्तान का आपकी बदकिस्मती है और कुछ भी नहीं। एक आदमी जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, वो घूमने पे निकला, हर बंदे ही घूम रहा है बारिश वक्त, और एक जो है वो कहते हैं आग लगा देंगे, और एक अपॉइंटमेंट है उसके ऊपर सारा कंट्री जो है स्टक होकर रह गया। आपकी और बदकिस्मतियां है सारी। सर मोहम्मद बिन सलमान भी जो है वो 21 नवंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं कुछ देर के लिए, उसके बाद इंडिया भी जाएंगे। इस विजिट को आप कैसे देखते हैं, कुछ फायदा होगा पाकिस्तान को, वो किस लिए आ रहे हैं, और वो भी वही आर्मी चीफ के जाने से पहले पहले। देखिए वो दो चार चीजें मैंने उनका देखा था, उनका क्या प्रोग्राम है आने का, वो जो दर हकीकत इन्होंने आपने उनको भी एक लालच लगा दिया है, उसको भी मैं ब्लेम करूंगा अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी को। वो चाइना के साथ अपने असर और सूख बढ़ाना चाहते हैं, ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, आपने उनको कहा जी हम आपको ले जाते हैं उस जगह पे, लेकिन आपको खुद के कोई नहीं सुनता बात, आपने कहा किसी को लेकर जाना है, लेकिन वो ग्वादर में अब आप उसको एक नई चीज बेचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव तो पैसा है, डॉलर बेस्ड पॉलिसी आपकी, डॉलर आए तो आप लेके भागे वहां से लंदन और दुबई में, आपके बच्चे बेचारे भूखे बैठे हुए। तो वो उसने कहा $12 बिलियन की रिफाइनरी चाइना के साथ ग्वादर में लगाएंगे, वो 4.5 बिलियन के तेल की डेफर्ड पेमेंट पे है, जो कर्जे हैं रिस्केजुल करेंगे, इस तरह की बातें पाकिस्तान को चंद घंटों के लिए आ रहे हैं, बल्कि वो इतना दौरा लंबा चौड़ा नहीं है। वो भी खान साहब की पार्टी जो है उस खान साहब हुकूमत और पीटीआई इस वक्त निगोशिएट कर रहे हैं कि उनका दौरा होने दिया जाए या ना होने दिया जाए, क्योंकि आपको याद होगा कि किसी धरने ने चाइना का दौरा खराब किया था, और आज भी उनकी ख्वाहिश यही है कि किसी तरीके से MBS यहाँ पे ना आए, वो पैसे ना आए जाए, चाहे या खुद जितने मर्जी कर्जे ले लें, लेकिन वो दूसरों को कैसे। वैसे मेरे ख्याल में जाती तौर पर अगर मुझसे पूछे तो मैं इस हक में भी नहीं कि आपको पैसा दिया जाए, आपका पैसा आज सारी दुनिया को नहीं पता कि आप घड़ियां में जाकर दुबई में बेच देते हैं तो कैश का आप क्या करेंगे? जब आप तोहफे तो आप इस तरह की चीजें नहीं छोड़ते, वो भी बेच देते हैं, तो आपको कैश दी तो फौरन वो तो पहुंचती नहीं पाकिस्तान।
क्या फायदा देने का आपको कैश?